और चलिए अब रुक करेंगे खबरें तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। गोपालन मंत्री जोराम कुमावत ने जयपुर के पशुधन विकास बोर्ड निदेशालय से 15 लिक्विड नाइट्रोजन आपूर्ति वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 जिलों में पहुंचेंगे लिक्विड नाइट्रोजन आपूर्ति वाहन। जयपुर, पाली, सिरोही, कोटा, झुंझुनू, चुरू, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, नागौर सहित 15 जिलों में पहुंचेंगे वाहन। जयपुर के मानसरोवर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के आवास पर पहुंचे प्रेम नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने रास्ते में बरसात के भरे पानी को निकलवाने, सड़क और नाली बनाने की मांग की। सांभर में जती कुई बालाजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मंदिर के दो ताले तोड़कर चढ़ावे की नकदी और चांदी के चार कड़े लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। भाजपा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दूसरा दौरे पर पांचों सीटें भाजपा के जीतने का दावा किया और कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए विकास कार्य आमजन के लिए कई बड़े फैसलों से लोग संतुष्ट हैं। चुमू क्षेत्र के सामो स्थित रैगरू के मोहल्ले के पास लगे मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चुमू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चुमू में फोटो फ्रेमिंग की दुकान में लगी अचानक से आग। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है। जयपुर के सांगनेर में कृष्ण बलराम मंदिर में हरे कृष्ण मूवमेंट के तत्वाधान में गीता कॉन्टैक्ट पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीता सोमानी को प्रथम, अंशुल गुप्ता को द्वितीय, मीनू अग्रवाल को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांगनेर के पीपलेश्वर महादेव हनुमान मंदिर में बालाजी के फूल बंगले की झांकी सजाई गई। भगवान के 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। भक्तों ने सामूहिक आरती कर परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना की। अलवर में इंडियन यूथ कांग्रेस ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। पेयजल की समस्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन में पेयजल समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अलवर में फोटो स्टूडियो को बाइक सवार दो चोरों ने बनाया निशाना। महज 2 मिनट में दुकान से 90,000 का कैमरा लेकर हुए फरार। पीड़ित दुकानदार ने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। अलवर में कृष्ण कुंड विकास समिति ने कृष्ण कुंड मार्ग का लिया जायजा। कृष्ण कुंड में समिति में जिला प्रशासन ने मॉनसून से पहले साफ सफाई, क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटे बिजली पोल की मरम्मत सहित कई मांगे की जिससे पर्यटकों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अलवर में चोरों ने बुजुर्ग महिला के घर को बनाया निशाना। चोर घर से संदूक लेकर फरार हो गए। संदूक में 28,000 रुपए, आधा किलो चांदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज रखे हुए थे। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जयपुर के मानसरोवर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने की जनसुनवाई जिसमें लोगों की अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान लोगों ने विधायक का आभार भी व्यक्त किया। अलवर के आनंदम होम सोसाइटी 200 फीट रोड मनाका में अखबार देने आया हॉकर लिफ्ट में फंस गया। सी ब्लॉक की तीसरी फ्लोर पर लिफ्ट बंद हो गई। करीब 1 घंटे तक हॉकर लिफ्ट में फंसा रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अलवर में तेज रफ्तार लोक परिवहन ने स्कूटी को लिया चपेट में। हादसे में स्कूटी सवार युवती घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद बस चालक मौके से हुआ फरार। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू के घोड़ीवारा कला में बिजली ठेका कर्मचारी की मौत का मामला ठेका कंपनी और परिजनों के बीच बनी मुआवजे पर सहमति। ठेका कंपनी मृतक के आश्रितों को 11 लाख रुपए और इंश्योरेंस के तहत देगी मुआवजा। बिजली के कृषि कनेक्शन के ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान लगा था मृतक को करंट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सीकर दौरे पर रहे जहां उन्होंने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन सैनी को 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पौधारोपण और पक्षियों के लिए परिंडे बांधकर लोगों से पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कराने की अपील की। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, 1 बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। रोल साहबसर गांव के पास हुआ हादसा।
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत सीकर दौरे पर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान अविनाश गहलोत ने कहा कि जो हमने घोषणा पत्र में कहा उसे पूरा कर रहे हैं। खाटू श्याम जी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कस्बे में 5 प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस सहायता केंद्रों का उद्घाटन किया गया। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने फीता काटकर किया उद्घाटन। थाना प्रभारी ने ट्रैफिक पुलिस जवानों को यातायात व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए। और अब बात करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। पलसुन के राजमथाई गांव में चोरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला के गले से पहने 2 तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। जैसलमेर के नाचना में थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों के लिए बैठक। बैठक में कानून शांति और यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। बाजार बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग को हटाने सहित अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। बालोतरा के समदड़ी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर किया गया रेफर। जैसलमेर में पर्यटन स्थल के नाम पर सिर्फ सोनार दुर्ग नहीं, जैसलमेर में कई ठिकानों के किले मौजूद है जो संरक्षण के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने 22 नवंबर 2011 को अधिसूचना जारी कर जैसलमेर के गोटारू, किशनगढ़ और गणेशीय किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया, लेकिन 13 साल बीतने के बावजूद इन किलों की सूध नहीं ली जा रही। जोधपुर में सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बलि चढ़ा बुजुर्ग। बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। लोहावट पुलिस कर रही है मामले की जांच। वीडियो में बुजुर्ग की रेडी धकेले में मदद करना चाहते थे कुछ लोग। रामदेवरा के सरनायत गांव में बोलेरो गाड़ी पलट गई। वाहन चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने दोनों को वाहन में से बाहर निकाला। सूचना पर क्रेन ने मौके पर पहुंची और बोलेरो को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज ने प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और चूर सागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के मिर्गेश्वर गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार 23 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल हैं। सभी सवार गोरिया गांव से खाणेराव गांव शादी समारोह में जा रहे थे। घायलों को बाली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से 9 लोगों को पाली रेफर किया गया। अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। शादुल शहर में मनरेगा श्रमिकों ने किया हंगामा। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी को लेकर हुआ हंगामा। एलडीसी और वीडियो पर मनरेगा मजदूरों को परेशान करने का लगाया आरोप। भीषण गर्मी में 5 से 6 किलोमीटर दूर हाजिरी लगाने का श्रमिकों पर दबाव। श्रीगंगानगर में गंगनहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर की धान मंडी को बंद किया। 28 जून को दोनों जिलों में किसान कर्फ्यू लगाने की भी चेतावनी दी। बीकानेर नगर निगम ने जूनागढ़ किले के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत कई ठेले हटाए। यह अभियान स्थानीय प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को समाप्त करने और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। नागौर में मारपीट में गंभीर घायल नवीन सोनी की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाजरवाड़ा इलाके के स्वर्णकार समाज ने घटना का विरोध किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाजरवाड़ा स्वर्णकार समाज की दुकानें बंद है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। ब्यावर में नगर परिषद पार्षदों ने शहर से आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की है। अपनी उक्त मांगों को लेकर पार्षदों ने परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। ब्यावर में विशाल मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दिव्यांग उपयोगी उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में 600 से अधिक जरूरतमंद लाभान्वित हुए और इस दौरान 10 ट्राईसाइकिल, 10 व्हील चेयर, 10 कान की मशीनें और 80 चश्मे वितरित किए गए।
ब्यावर में फल और सब्जी विक्रेता जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम लक्ष्मीकांत बालोद को ज्ञापन सौंपा। सभी विक्रेताओं ने नगर परिषद पर परेशान करने का आरोप लगाया और समस्या का समाधान करते फल सब्जी बेचने के लिए कोई निर्धारित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की। जयपुर के जेकेके में समग्र नेशनल अवार्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर की समाज सेविका शकुंतला टेलर को समग्र नेशनल आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही विभिन्न गतिविधियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। ब्यावर में बूटीवास गांव में मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने उसे घायल को राजकीय अमृतकोर अस्पताल में भर्ती कराया। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील रेखा। टोंक उनियारा में क्रूजर और ट्रक में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 लोग गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों मृतक बारा जिले के इटावा शहर के निवासी हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर से कोटा जाते समय रुके टोंक, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोला। टोंक के मालपुरा में चबराना गांव में बिजली का तार छूने से डंपर में आग लग गई। सड़क से गुजरने के दौरान डंपर में आग लगने की घटना हुई। इस दौरान चालक ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई और बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आईजी लता मनोज कुमार ने ब्यावर एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी को पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आईजी ने जिले के सभी थाना अधिकारियों के साथ क्राइम की बैठक ली और बैठक में सभी को अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए। अजमेर के पिसांगन में बेरोजगार पुरुष वर्ग ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। महिला वर्ग के 50% आरक्षण का विरोध भी किया गया और मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ब्यावर में पूर्व सैनिक संगठनों ने सैनिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम भूमि आवंटन की मांग की। अपनी उक्त मांगों को लेकर जिला पूर्व सैनिक संगठन ने एडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मेडिकल सिटी निवासी अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा को 4th राष्ट्रीय अटल अवार्ड मिला, जिसके बाद समाज के लोगों ने दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। नागौर की मिर्जा सिटी में एडीआर सचिव स्वाति शर्मा ने जिला बाल पीड़ित प्रतिकार सहायता समिति की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में विचार विमर्श किया गया। पीड़ित प्रतिकार स्कीम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के संबंध में दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। नागौर के पुराने अस्पताल का नाम बदलने पर विवाद शुरू हो गया। विरोध में अखिल भारतीय वैश्य समाज अग्रवाल पंचायत शहर के व्यापारी वर्ग का लाभमंद हुआ। सेठ श्री वल्लभ रामदेव पित्ती राजकीय अस्पताल का नाम बदलने का विरोध किया जा रहा है। डीडवाना के कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने कलेक्ट्रेट समाकक्ष में समस्त विभागों की समीक्षा बैठक की और बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग और रीडकोर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पानी भराव क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करने के निर्देश प्रदान किए गए। और अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। केशवराय पाटन में ईश्वर नगर के पास युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शनाख्त प्रिंस कुमार जैन देई के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। केशवराय पाटन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बूंदी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागर सागर कुंड और तारागढ़ में शहनाई वादन और गणगणेश की पूजा अर्चना के साथ विभिन्न कार्यक्रम हुए। गणगणेश की पूजा अर्चना जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पूर्व राज्य परिवार के सदस्य महाराव राजा वंशवर्धन सिंह हाडा सहित आमजन ने की और बूंदी के सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की गई। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में निजी अस्पताल में महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कहा कि ऑपरेशन के दौरान आंतों में कट लगने से उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे तलवंडी के दूसरे निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री विजयनगर में राजस्थान मेघवाल समाज संस्थान ब्लॉक के चुनाव में सर्वसहमति से संपन्न हुआ, जिसमें दलीप कुमार मेहड़ा अध्यक्ष बने। शोलाला बारूपाल और विनोद कुमार उपाध्यक्ष, चंद्रभान परिहार कोषाध्यक्ष, राजेश मेघवाल महामंत्री, ओम प्रकाश मेहड़ा
प्रेस प्रवक्ता सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी सर्वसहमति से चुने गए। बारा के सिसवाली थाना पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रोली को पकड़ा और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। बूंदी के केशवराय पाटन कृषि उपज मंडी परिसर में बने किसान भवन पर तहसीलदार का कब्जा, जबकि सीएडी कॉलोनी में तहसीलदार भवन है, फिर भी तहसीलदार कृषि उपज मंडी में बने किसान भवन पर अपना निवास स्थान जमाए हुए है। किसानों के लिए बनी सुविधाओं को अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। बारा के ट्रू में तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रक चालक श्वेतान घायल हो गया है। घायल को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बारा रेफर कर दिया गया। बारा के अंता में बूंद बूंद पानी बचाओ अभियान की कस्बे में धज्जियां उड़ रही है। जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज होने से हर रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। झालावाड में महिला आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। युवाओं ने खेल संकुल से मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। महिलाओं को फिर से 30% आरक्षण देने की मांग की। कोटा के सूर्य नहर में सो रही 4 साल की मासूम बच्ची को कोबरा ने डस लिया। परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जहर फैलने के कारण बच्ची की मौत हो गई। किशनगंज के महंत महामंडलेश्वर सीताराम दास जी महाराज का निधन हो गया। महाराज जी के अंतिम दर्शन में किशनगंज बारा सहित आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पुष्प अर्पित और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम संस्कार किया। उदयपुरवाटी में लोहारगल के सूर्यकुंड में फिर से स्नान शुरू हुआ। सूर्यकुंड की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। सीढ़ियों की मरम्मत के दौरान 3 दिन तक सूर्यकुंड में स्नान बंद था, लेकिन आज फिर से श्रद्धालु के लिए स्नान शुरू हो गया। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबर तहसील रिकॉर्ड। अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। शाहपुरा के तहसीलदार ने कल्याणपुरा गांव में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकवाया और निर्माण सामग्री को जब्त किया, जिसमें 200 कट्टे सीमेंट, 6 ट्रोली बजरी और 4 ट्रोली क्रशर गट्टी और 4 बंडल लोहे के सरियों को जब्त कर निर्माण को रोकवाया गया। भीलवाड़ा में रायला बचाव संघर्ष समिति के आह्वान पर बाजार बंद किया गया। समिति ने उप तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और रायला ग्राम को यथावत भीलवाड़ा जिले में रखने की मांग की गई। उदयपुर के झाड़ूर में कथौड़ी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन लोगों को पीने का पानी लेने के लिए 500 मीटर दूर वाकल नदी में वैरी खोदकर पानी लाना पड़ता है। इन 55 परिवारों को आज दिन तक बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया गया। भीलवाड़ा में पक्षी विहार के रूप में उभरे चावड़िया तालाब के वेटलैंड के रूप में विकसित करने की योजना खटाई में है। पानी की आवक रुकने और भीषण गर्मी से तालाब का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। ऐसे में पक्षियों की चहचहाट गुम हो गई है। देशी विदेशी प्रजातियों के करीब 5,000 पक्षी जनवरी फरवरी में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में प्री मानसून की बारिश हुई। बारिश के चलते सूरजपुर इलाके में एक मकान का छज्जा गिर गया। घटना में कार क्षतिग्रस्त हुई। भीलवाड़ा शहर में आबादी क्षेत्र में करीब 1 दर्जन भैंसों के कटे सिर मिले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के ओड़ुका खेड़ा इलाके की घटना, मवेशियों के कटे सिर मिलने से क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। राजसभा में 5 दिन से लापता युवक राधेश्याम का कंकाल मिला है। 18 तारीख को जंगल में बकरियां चराने युवक गया था। परिजनों ने वन विभाग को पैंथर के शिकार करने की शिकायत दी थी। शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। शाहपुरा के गुलापुरा में हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर घायल। दोनों युवकों को गुलापुरा अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी के खिलाफ कार्रवाई की। खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त किया गया और पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम की ओर से लकड़ी के अवैध परिवहन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नीट भर्ती 2022, सूचना सहायक भर्ती 2018 सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर बांसवाड़ा में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 40 से ज्यादा लोगों को शक के दायरे में रखा गया। मोटी रकम लेकर डमी अभ्यर्थी उपलब्ध कराने वाले 4 दलाल भी डिटेन किए गए। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा प्रतापगढ़ के धरियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में वन कर्मियों से मुलाकात की। कुछ दिन पहले वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने हमला किया, जिस पर वन मंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी हो कठोर कार्रवाई होगी।
शिक्षा मंत्री के आदिवासी के डीएनए टेस्ट की टिप्पणी पर सांसद राजकुमार रोत ने पलटवार किया। राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी समाज हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन पूरे आदिवासी समाज को गलत दिशा में ना ले जाएं। प्रतापगढ़ की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अफीम तस्करी और नकदी के मामले में एक साल से फरार तस्कर को किया गिरफ्तार। 17 जून 2023 को रणथाजना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार से 600 ग्राम अफीम और 12,18,000 रुपए की नकदी बरामद की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग के प्रमोशन के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 5 महिला कांस्टेबल सहित 142 कांस्टेबल ने दौड़ लगाई। हेड कांस्टेबल के 44 पदों पर भर्ती के लिए लगाई दौड़। और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर के मेडिकल कॉलेज में थार जीप में सवार 4 लोग घुसे। छात्रों ने लोगों को हॉस्टल में घुसने से मना किया तो उनकी कहां सुनी हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 मौके से फरार हो गए।